फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल सच्ची लाइव व्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत है। और ये व्लॉग है जन्माष्टमी स्पेशल, और उम्मीद करूंगी आपको अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। और हम कल मंदिर गए थे, ये हुआ है बजरंगबली का मंदिर है जो पास में पड़ता है, तो हम वहीं गए थे। वहाँ झूला डाला हुआ था और हम गए थे करीब 9 के आसपास ही गए थे, क्योंकि उसके बाद फिर बाहर जाना अलाउड नहीं होता। वैसे तो सभी जानते हैं कि कान्हा जी का जन्म 12 के बजे हुआ था, तो उसी टाइम जो मिल मतलब कि उसी टाइम जाते हैं सभी, लेकिन हम 9 बजे के आसपास गए थे। उस टाइम भी थे बहुत सारे लोग, क्योंकि जो पहले नहीं मतलब बाद में नहीं जाते, 12 बजे तक पहले चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। और फ्रेंड्स, अब की बार जन्माष्टमी 2 थी, क्योंकि अब की बार रक्षाबंधन भी 2 थे हमारे यहाँ पे, और उसी तरह जन्माष्टमी भी 2 थी। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपने किस दिन व्रत रखा। और यहाँ पे वीरवार और शुक्रवार 2 दिन थे, कुछ लोगों ने वीरवार को रखा था, कुछ ने शुक्रवार का, और हम शुक्रवार के दिन गए थे क्योंकि शुक्रवार का फास्ट था। मैंने तो नहीं रखा था फास्ट, लेकिन जिन लड़कियों ने रखा था मैं उनके साथ चली गई थी। सोचा कि फास्ट नहीं रखा तो मैं मतलब कि मंदिर तो जा ही सकते हैं हम, तो फिर हम मंदिर चले गए थे। और अभी झूला झूला के प्रसाद वगैरह जो मिलता है, अभी हमारा नंबर नहीं आया था तो हम वेट कर रहे थे, सोचा थोड़ा सा मैं क्लिप ले लेती हूँ। वैसे तो मैं फास्ट रखती थी, लेकिन अब की बार नहीं रखा मैंने। बस कोई रीज़न था कि मैं नहीं रख पाई, मेरा मन तो था रखने का लेकिन नहीं रख पाई किसी वजह से। तो बस सोचा कि मंदिर तो जा ही सकते हैं हम, तो इसलिए मैं मंदिर तो चली गई थी, लेकिन मैं व्रत नहीं रख पाई। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी जन्माष्टमी कैसी गई और किस किस ने व्रत रखा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, मैं मतलब इन दिनों काफ़ी कम व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ और फिर उसमें एडिटिंग वगैरह करना, बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। बस बहुत कम डालती हूँ जो भी डालती हूँ। तो मैं यही उम्मीद करूँगी आप सभी से, आप अपना प्यारा स्पॉट ऐसे बनाए रखें, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू व्लॉग करूँगी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप मिल्किंग वीडियोस अपलोड करो, सॉरी मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ और मिल्किंग नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे ही मैं घर चली जाऊँगी तो मैं ज़रूर मतलब जो अपना डेली रूटीन है वो भी शेयर करूँगी और मिल्किंग वीडियोस भी शेयर करूँगी आप सभी के साथ। बस अपना प्यारा स्पॉट इस तरह से बनाए रखो। और हम झूला झूला के फिर हम भोलेनाथ के मंदिर आ गए थे, ये भी साइड में ही है मतलब इसी मंदिर में थोड़ा सा साइड में था, तो हम वहाँ गए हैं क्योंकि यहाँ सभी का वो था, भोलेनाथ का भी था और माता की भी थी, वहाँ भी गए थे हम। और उम्मीद करूँगी आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।